एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार ने निजीकरण को लेकर के अपने ब्लॉग में व्यंग लिखा है, बोली लगेगी 23 सरकारी कंपनियों की, निजीकरण का जबरदस्त स्वागत। निजीकरण का स्कूली नाम विनिवेश है, विनिवेश बेचने जैसा गैर जिम्मेदार शब्द नहीं है। खुद को काम करने वाली सरकार कहती है कि वह 23 सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिकने जा रही कंपनी का नाम अभी नहीं बताएंगी, फैसला हो जाने के बाद बताएंगी। हिंदू अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार को विनिवेश के जरिए 2 लाख करोड़ चाहिए। रवीश कुमार ने आगे ब्लॉग में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह खुशखबरी है, उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और वे प्राइवेट हो सकेंगे। जिस तरह से रेलवे के निजीकरण की घोषणाओं का स्वागत हुआ है, उससे सरकार का मनोबल बढ़ा होगा। आप रेल मंत्री का ट्विटर हैंडल देख लें, पहले निजीकरण का नाम नहीं ले पाते थे लेकिन अब धड़ाधड़ ले रहे हैं, जो बताता है कि सरकार ने अपने फैसलों के प्रति सहमति प्राप्त की है। हाँ, जरूर कुछ लोगों ने विरोध किया है, मगर व्यापक स्तर पर देखें तो यह विरोध के लिए विरोध जैसा था। जो भी 2-4 लोग विरोध करेंगे, उनके व्हाट्सएप में मीम की सप्लाई बढ़ानी होगी ताकि वे मीम के नशे में खो जाएं। नेहरू वाला मीम जरूर होना चाहिए। रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि मोदी सरकार की यही खूबी है, उनकी समर्थक जनता हर फैसला का समर्थन करती है, वरना 23 सरकारी कंपनियों के विनिवेश का फैसला हंगामा मचा सकता था। अब ऐसी आशंका बीते दिनों की बात हो गई है। सरकार की दूसरी खूबी है कि अपने फैसले वापस नहीं लेती है। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में भी मोदी समर्थक कम नहीं होंगे, वे खुशी से झूम रहे होंगे, बल्कि समर्थक लोगों को ही इस फैसले के समर्थन में स्वागत मार्च निकालना चाहिए ताकि एक संदेश जाए कि ये वो जनता नहीं है जो सरकार के फैसले पर संदेह करती थी। जिन सरकारी कर्मचारियों ने भक्ति में 6 साल गुजारे हैं, उनकी प्रार्थना अब सुनी गई है, उनके इष्ट की निगाह अब पड़ी है। सरकारी कंपनी बेचने का फैसला वाकई गुलाब की खुशबू की तरह है। कंपनियों को बेचने में मोदी सरकार से देर हो गई, वरना यहाँ काम करने वाले समर्थकों को भक्ति का और समय मिल गया होता, बहुत पहले नौकरी से मुक्ति मिल गई होती। आलोचकों को भी अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। रही बात विपक्षी दलों के विरोध की, तो उन्हें कौन सुनता है? जिन कर्मचारियों के लिए बोलेंगे वही उनका साथ नहीं देंगे। अतः विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, कर्मचारियों की तरह सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए। वैसे भी मंदिर के शिलान्यास के बाद विपक्षी दलों को का रहा सहा जन समर्थन चला जाएगा। अब वे निजीकरण का विरोध करेंगे तो 0 हो जाएंगे। मेरी राय में उन्हें जनता के बीच वोट प्राप्त किए बगैर रहना है तो निजीकरण का स्वागत करें। आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है, प्राइवेट सेक्टर के विस्तार से आत्मनिर्भर बनेगा, इसलिए सरकारी कंपनी बेची जा रही है ताकि दूसरे भारतीयों को इन्हें चलाकर आत्मनिर्भर होने का मौका मिल सके। आगे व्यंग करते हुए रवीश कुमार लिखते हैं कि कितना सुंदर फैसला है, जरूर ये कंपनियां अच्छी होंगी तभी तो बिक रही हैं, नई भर्तियां नहीं होंगी और पुराने लोग निकाले जाएंगे, वरना जो इन कंपनियों को खरीदेगा वो कभी आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।